तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। तो आ गया हूँ भाई मैं अपडेट के बाद फिर से एक और गेम प्ले पावर टेस्टिंग का लेके। तो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक पावर हो चुकी है। ट्रैक्टर जो रियल में है उसके हिसाब से ही भाई प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है। ट्राला काफ़ी बड़ा हो गया, तो चलो टेस्टिंग शुरू करते हैं अपनी। यही तो काम अपने पास है ना। तो अपना न्यूहोलैंड भाई चल चुका है और देखने वाला हूँ कि मैं इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रहती है अपडेट के बाद। टायरों में भाई, ट्रैक्टर के इंजन में, पावर में काफ़ी हद तक फ़र्क आया है और मेरे को लगता है यहाँ पे पावर बढ़ने की जगह पावर कम हो गई है गाइस। ये क्या हो गया? और ट्रैक्टर आगे से उठ नहीं रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं उठ रहा भाई? इतना भारी ट्राला वो भी चढ़ाई पे लेके चल रहा, क्यों नहीं उठ रहा? बात हो रही थी रियलिस्टिक की, और रियलिस्टिक भाई न्यूहोलैंड और जोंडीरे के ऐसे ट्रैक्टर। हाँ अभी उठ पड़ा, क्या बात है। चल भाई लेके देखते हैं ट्राला लेके चल पाएगा। चल तो रहा है लेकिन मेरे को इससे उम्मीद नहीं है कि भाई ऊपर पहुँच पाएगा ये। 36 30s लेकिन उसके जैसी पावर नहीं लगा रहा। ये देखो भाई, बूस्टर दे के चलाना पड़ रहा है इसको। ये भी कोई ट्रैक्टर है क्या? बात है ये। नहीं यार, दिल तोड़ दिया भाई इस ट्रैक्टर ने। पहली पावर टेस्टिंग करने वाले थे अपडेट के बाद में, और उसको भी मैंने पावरफुल ट्रैक्टर के साथ स्टार्ट किया और वही ट्रैक्टर धोखा दे गया। ये देखो पीछे ट्राला पूरा चूटे ले रहा, लेकिन नहीं भाई बात नहीं बन रही। ये लो फिर से रुक गया। कितने बूस्ट दूं यार इसको मैं? जो ट्रैक्टर, देखो ट्रैक्टर के टायर के नीचे भाई है थोड़ा सा ना, जो ट्रैक्टर का टायर ही नहीं उठा पा रहा, अगर वो ट्रॉले के टायर के आगे थोड़ी सी बन गई अट वगैरह जो भी कह सकते हो आप, तो ये उसको कैसे उखाड़ेगा भाई? नहीं 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 भाई, इस तरह से काम नहीं चलने वाला। मेरे को लगता है इसके आगे दूसरा ट्रैक्टर डालना पड़ेगा, तभी इसकी ट्रॉली आगे जाएगी। और भाई मैं आपको बता दूं, मैंने कोई भी पावर इंक्रीज़ नहीं की हुई है और कोई भी आर्टिफिशियल जो मॉडिफिकेशन है इसकी, टायर का साइज़, इंजन का साइज़, इस तरह की भाई मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन इसकी नहीं की हुई है। लेकिन फिर भी भाई ये ट्रैक्टर, चलो अभी स्वराज को भाई इसके आगे जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये उसको निकाल पाएगा कि नहीं। क्योंकि 855 हमारा अपडेट के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है भाई, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। निशु देशवाल को तो भाई आप जानते ही होंगे, उसके ट्रैक्टर से इंस्पायर होके उस तरह की इसको लुक दी गई है और टायर भी दिए गए हैं। और ये अपना टोचन पीछे डाल चुका है, तो थोड़ा सा इसको पीछे चलाऊँगा ताकि अपने ट्रैक पर आ जाए ये, और फिर इसको मैं यहाँ से पुल करने वाला हूँ भाई। और देखते हैं दो ट्रैक्टरों के साथ इतना बड़ा टोच। अरे भाई साहब ट्रॉला सच में भारी है यार, 855 की जो ये वाट लग रही है ना, ये इसी का नतीजा है। और मैं आपको बता दूं भाई, 855 काफ़ी दमदार ट्रैक्टर है, और देखो दमदार तो है ही लेकिन चल नहीं रहा भाई। पीछे करना है क्या भाई? एक तो ट्रॉला तो खींचना ही खींचना है और साथ में ट्रैक्टर को भी खींचना भाई, तो इट्स नॉट ईजी जॉब। 855 को मैं इसलिए लेके आया था। अब कई लोग बोलेंगे कि 811 को डालो, प्रीत को लगाओ, लेकिन भाई 855 की जो दहाड़ है, जो ताकत है ना, वो इनसेन लेवल की है, तो मेरे को इस पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास है बाकी ट्रैक्टरों से। हाँ 811 भी पावरफुल है, लेकिन 855 की भाई बात ही कुछ और है। तुम लोग नहीं समझ पाओगे जब इसको चलाओगे ना, तभी विश्वास होगा तुम लोगों को, है ना। तो एनीवे पीछे न्यूहोलैंड ने अपनी बूथी खड़ी कर दी है, लेकिन हमको बूथी से कोई लेना देना है, हमको इसकी ट्रॉली बाहर निकालनी है जो कि ग्राउंड के बिल्कुल नीचे चल चुकी है। और न्यूहोलैंड भी भाई पूरा ज़ोर लगा रहा है, स्वराज भी पूरा ज़ोर लगा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही। मेरे को लग रहा है यहाँ पर JCB मंगवानी पड़ेगी अभी, लेकिन कोशिश करूँगा भाई कि JCB तक बात ना ही पहुँचे, क्योंकि ट्रैक्टरों का मुकाबला है तो ट्रैक्टर तो होगा ही। देखो भाई न्यूहोलैंड कैसे कैसे फुदक रहा आगे से। चल भाई निकाल ले, क्यों बेइज्जती कर रहा है? ऐसी बात नहीं है यार, पावर तो लगा रहे हैं, दोनों ट्रैक्टर लगा रहे हैं, कोई स्कीम लगानी पड़ेगी है ना। बिना स्कीम के ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रॉला पीछे ऐसे जम गया ना, ऊपर से वेट इतना उसका, पता नहीं कितने क्विंटल का होगा, तो मेरे को उसका थोड़ा सा इशू लग रहा है। स्वराज भाई अपना पूरा दम लगा रहा है, देखो कैसे आगे से उठ रहा है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही। और न्यूहोलैंड ने भी पूरा जोर लगाया और ट्राले को रोकने में, अगर न्यूहोलैंड जोर लगाना बंद कर देना तो ट्राला पीछे को चला जाए, और इसने रोका हुआ अपने दम पे, लेकिन आगे खींच नहीं पा रहा। और
स्वराज से भी नहीं खींच रहा भाई, दो ट्रैक्टर होके एक इतने बड़े ट्रॉले को नहीं खींच पा रहे। मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन खींचना तो चाहिए यार। 50 और 50 100 HP, और लो भाई देखा कितना हैवी है ट्रॉला, दोनों ट्रैक्टर को ले गया ना खींच के। अभी इसी की बात कर रहा था मैं, तो एक बात तो अच्छी होगी कि चलो ट्रॉले दोनों नीचे आ गए हैं ट्रैक पे, पर अभी आसानी से खींचे जाएंगे। देखते हैं अभी कितनी पावर लगेगी इनकी। और अभी यार ये पावर क्यों नहीं लगा रहे इतनी, मेरे को समझ नहीं आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ा यार। ये देखो वो शायद फंस चुका है पीछे, है ना। अभी AI ऑफ करता हूँ, देखते हैं सेटिंग्स में। मेरे को लगता है ट्रैक्टर और मंगाना पड़ेगा ना, ट्रैक्टर अपना नेहोलैंड ही आ चुका भाई। और पीछे को स्वराज करें, अभी देखते हैं शायद निकल पाएगा कि नहीं। और अरे भाई ओ हो, ये क्या हो गया भाई, ऐसे ग्लिच मेरे को गेम में अच्छे नहीं लगते। तो जिसकी भी ये गेम है प्लीज़ भाई थोड़ा सा काम कर लो यार इन पे। मेरे को पता है गेम बहुत ही अच्छी बेटर है, लेकिन ऐसे ग्लिच वगैरह थोड़ी तो रियल रखो यार इनको। ट्रैक्टर की गेम बना रहे हो, पूरा GTA का सीन लग रहा है मेरे को, लेकिन रियल तो रखो यार इसको, है ना। तो भाई मैंने स्वराज को पीछे कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था, क्योंकि मेरे को इस पे बहुत भरोसा है, और मेरे को आज अपना भरोसा टूटता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं अपना भरोसा टूटना नहीं चाहता। तो मैंने स्वराज को ट्रॉले के साथ जोड़ दिया और आगे कर दिया मैंने नेहोलैंड, है ना। तो चलो अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट है। और स्वराज भाई आगे को जा रहा है, नेहोलैंड कहीं और जा रहा है, क्योंकि स्वराज में पावर इतनी है। अभी नेहोलैंड की पिकअप बनी नहीं थी, और स्वराज भाई ट्रॉला लेके ऊपर आ भी गया था। और पीछे अभी नहीं मेरे को पता लग रहा, ये देखो भाई स्वराज क्या ही है, आसमान की तरफ देख रहा है, लेकिन ट्रॉला फिर भी नहीं खींच रहा। मेरे ख्याल से पीछे नीचे लग तो नहीं चुका ट्रॉला, पीछे की साइड से कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, देखना पड़ेगा ना यार। क्या ही चक्कर में डाल दिए इन लोगों ने, मैंने फिर से नेहोलैंड शिफ्ट कर दिए इधर। एक ट्रॉला था भाई, वो भी आसानी से नहीं निकल रहा। अब इसके पीछे ट्रॉला डालता हूँ, ट्रॉला आ चुका है थोड़ा सा पीछे को करके। अरे 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 पानी में नहीं जाना, पानी में नहीं जाना भाई। देखो कितना हैवी ट्रॉला, मैंने ब्रेक लगाई लेकिन फिर भी कितना स्लिप लिया इसने। चलो एनीवे पहले इसको ही लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचता है, और फिर वहाँ पे आगे जाके इससे टोचन लगवाएंगे, ठीक है। तो अपना काला धुआं तो यहीं से इसने छोड़ना शुरू कर दिया, और बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ से तो अट उठा के ले चुका है, और ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा यार मेरे को पता है, क्योंकि पहले भी नहीं गया था। और लो यहाँ से बूस्टर दिया मैंने, बूस्टर की वजह से थोड़ा उठा और अट उठा के ले गया, और ले गया। अभी चढ़ जाएगा भाई ऊपर, अभी मेरे को पूरा पता है कि ये चढ़ जाएगा। लो भाई अभी आ चुका है, लेकिन पहले क्यों नहीं चढ़ा था भाई, बूस्टर से भी नहीं चढ़ा, अभी उसी ही पहाड़ से जो नीचे आई थी तो चढ़ गया ऊपर। पता नहीं यार इन ट्रैक्टरों का क्या सीन है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यही था मित्रों आज की इस वीडियो में, आई होप मेरा जितना दिमाग ख़राब हुआ आपका भी हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो बाय मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।